हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरबाब फहीम कासी और आप मुझे देख रहे हैं ऑन oya.com। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं ओप्पो F21 Pro को। ये स्मार्टफोन कुछ देर पहले लॉन्च हुआ है और ये एक बेहतरीन सा स्मार्टफोन है। मैं इसकी सारी डिटेल में चीजें बताऊंगा अपने रिव्यू में। अभी के लिए मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ जो हमें इसके बॉक्स में मेंशन मिल जाती हैं और एक तरह से ओवरव्यू दे देता हूँ जी। सबसे पहले हमें मिल जाता है अल्ट्रा सेंसिंग सेल्फी कैमरा विद IMX709। ये एक सेल्फी प्रोसेसिंग कैमरा है और इसमें सेल्फीज बहुत जबरदस्त आएंगी आपकी, ये मैं श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि ओप्पो हमेशा से सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन रहा है। दूसरी जबरदस्त चीज है इसके अंदर वो है 33 वॉट का सुपर वोक चार्जर जो कि फोन को ऐसे चार्ज कर देगा। और एक मेजर चीज जो कि है इसकी बैटरी वो है 4500 mAh की जो कि आपको इजीली मतलब बहुत ही आसानी से पूरे दिन का यूजेज प्रोवाइड कर देगी। तो चलते हैं अनबॉक्स करते हैं और फोन देखते हैं दिखने में कैसा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस फोन को आप देख के भी हैरान रह जाएंगे क्योंकि ये बहुत प्यारा स्मार्टफोन बनाया हुआ है। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये है बॉक्स ओप्पो F21 Pro का, काफ़ी खूबसूरत सा F सीरीज़ का बॉक्स जो हमेशा से आ रहा है। ब्लू कलर पे ऊपर F बना हुआ है और यहाँ नीचे ओप्पो F21 Pro लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बिल्कुल क्लीन है ओप्पो की ब्रांडिंग और इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिल जाता है ओप्पो F21 Pro। बॉटम और टॉप पे हमें PTA की सील मिल जाती है, इससे पता चलता है ये स्मार्टफोन PTA अप्रूव्ड है। ठीक है जी, बैक पे हमें कुछ मेजर स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, वो इसमें ही बता देते हैं। इसमें हमें मिल जाता है अल्ट्रा सेंसिंग सेल्फी कैमरा जो कि ज़बरदस्त किस्म की सेल्फीज़ के लिए है। उसके बाद नीचे मिल जाता है 33 वॉट सुपर वोक चार्जर जो कि ज़बरदस्त किस्म की और बहुत तेज़ से चार्ज कर देता है स्मार्टफोन को। रैम एक्सपेंशन मिल जाता है, बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट मिल जाता है, 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है और हमें माइक्रो लेंस सिस भी मिल जाते हैं। ठीक है जी, जो हमें कलर रिसीव हुआ है वो है सनसेट ऑरेंज और 8GB और 128GB वाला वेरिएंट हमें रिसीव हुआ है। तो चले करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं स्मार्टफोन दिखता कैसा है। सबसे पहले अंदर हमें एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर हमें कुछ नॉर्मल वही चीजें मिल जाती हैं, जैसे पेपर वर्क मिल जाता है, इसके अंदर से मैजेंटा टूल मिल जाता है और एक केस मिल जाता है जो कि काफी प्रीमियम केस लग रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और साइड्स पे बिल्कुल फ्रॉस्टिंग दी हुई है और काफी अच्छे मतलब मटेरियल काफी अच्छा है। ओप्पो की ब्रांडिंग भी है यहाँ पे, मैं आपको जरा फोकस करके दिखा दूं जी बिल्कुल। और फिर आ जाता है हमारा स्मार्टफोन जो कि हीरो है इस वीडियो का। सबसे पहले तो आप इसका कलर चेक करें, ये इसका जो नाम है वो है सनसेट ऑरेंज और काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का स्मार्टफोन लग रहा है ये। हाथ में भी काफ़ी अच्छी ग्रिप आ रही है इसकी। इसको पहले हम अनसील करते हैं और अब आप देखें स्मार्टफोन को, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, तब तक हम देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या कॉन्टेंट मिल जाते हैं। मजीद बॉक्स के अंदर हमें 33 वॉट का सुपर वोक चार्जर मिल जाता है जो कि काफ़ी भारी सा चार्जर है, मतलब क्यों ना हो। यहाँ पे 33 वॉट सुपर वोक भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हमें मिल जाती है चार्जिंग केबल जो कि ऑब्वियसली टाइप सी की केबल है। चीज़ों को साइड में रखते हैं, फ़ोन के स्टार्ट होने का वेट करते हैं, इसको सेटअप करते हैं और फिर मजीद जानते हैं स्मार्टफोन के बारे में। तो स्मार्टफोन की अगर मैं फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में हमें मिल जाता है 6.43 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले, सेल्फी कैमरा हमें मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का जो कि एक बेहतरीन सेल्फी कैमरा है और मैं इससे 100% श्योर हूं कि इसका कैमरा बहुत अच्छा होगा। राइट हैंड साइड पर हमें मिल जाता है पावर बटन, लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर्स, ठीक है जी, और ऊपर सिम ट्रे, ठीक है जी। बैक पे हमें मिल जाता है एक जबरदस्त किस्म का बैक, मैंने अभी कवर चढ़ाया हुआ है लेकिन मैंने इसका टेक्सचर फील किया है, वो मैट नहीं है, ग्लास नहीं है, वो एक लेदर टेक्सचर
इसका बैक है जो कि काफी अच्छा है, और आप देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल किस तरह का है इसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने केस लगाया है तो उसकी खूबसूरती और डबल हो गई है। कलर बहुत प्यारा लग रहा है, हमें इसमें कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, इसका मेन सेंसर है 2 मेगापिक्सल का, इसके अंदर डेप्थ सेंसर मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का हमें माइक्रोस्कोप सेंसर मिल जाता है। ठीक है जी, बॉटम पे हमें स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, साथ साथ यूएसबी टाइप सी की पोर्ट है और हमें 3.5 mm जैक भी मिल जाता है। मतलब आजकल ये वैसे कम हो गया लेकिन अब आ रहा है तो जबरदस्त। फिंगरप्रिंट सेंसर ये रहा, इसको टेस्ट कर लेते हैं। काफी एक्यूरेट फिंगरप्रिंट सेंसर है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ चल रहा है ये। अब सेटिंग में जाते हैं और अबाउट फोन के बारे में देखते हैं। इसके अंदर हमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 680 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 8GB विद 3GB का एक्सपेंशन रैम मिल जाती है, 128GB का स्टोरेज मिल जाता है और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 मिल जाता है। तो ये अपने में ही कोई क्लास है, मेरी अभी भी आंखें वही हैं कि स्मार्टफोन की खूबसूरती कोई नहीं बीट कर सकता। मजीद इन सब फीचर्स के बारे में हम जानेंगे अपने रिव्यू में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनबॉक्सिंग ऑफ ओप्पो F21 Pro, उम्मीद है आपको भी ये स्मार्टफोन बहुत पसंद आया होगा जिस तरह मुझे पसंद आया है। सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी है लेकिन जो चीज मैंने अभी तक याद रखी है, मेरे दिमाग में अभी भी है, वो है इसका डिजाइन। इसका डिजाइन बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है ओप्पो ने, तो जरूर देखिएगा इसका रिव्यू जो कि आ जाएगा कुछ एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला ओया के चैनल पे। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट पे मुझे ये बताएं कि आपको इस स्मार्टफोन का फीचर कौन सा पसंद आया, और मुझे जैसा लगता है कि सब हर कोई इसके डिजाइन के बारे में बात करने वाला है। तो मुझे इजाजत दें, मेरा नाम है अरबाब फहीम कासी, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।